वेलकम गाइस, आपका स्वागत है मिस्टर गाइस। तो यहाँ पे लौकी का टीयर 4 और ये लेटेस्ट वाला यूनिफॉर्म नया वाला ये कब आ सकता है गेम में ये मैं बताऊंगा। और लौकी का अपडेट कब आ सकता है, ये मिड अपडेट में आएगा या दिसंबर अपडेट में आएगा। दिसंबर के मिड अपडेट में आया तो भाई ये क्रेजी हो जाएगा, क्योंकि मैं समझाता हूँ क्या होने वाला है। लेकिन उससे पहले भाई लौकी का सीजन 2 जो लोग नहीं देखा भाई पूरा सीजन 2 देख लेना। और मैंने एपिसोड 6 मतलब पूरा सीजन एपिसोड 1 से लेकर सीजन 2 के एपिसोड 6 पूरा एंडिंग तक देख लिया है। और वो जो मेरे एक्सपीरियंस है भाई वो मैं थोड़ा शेयर करना चाहता हूँ कि भाई लौकी जो था अपना थॉर 1 में, ये लौकी भाई पूरा डिफरेंट है और ये रियल लौकी है, समझे। ये नहीं भाई जो मूवी के अंदर ये वाला दिखाया गया है, ये रियल लौकी है जो एंड में अपना वो जो उसका लुक दिखाया गया, दिस इज़ जस्ट वाव अमेजिंग। एंड इसको मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकता लफ्ज़ों में, समझ जाना कि ये लौकी भाई एकदम डिफरेंट है। पुराना लौकी क्या करता था भाई, हमारा पुराना लौकी ना भाई ये क्या था, एक तरह से खुद के बारे में सोचना, दूसरों की परवाह ना करना, इसका सिर्फ इसका फ़ायदा होना चाहिए, ये सब पे राज करना चाहता था, गद्दी पे बैठना चाहता था, मतलब गद्दी मतलब पूरा का पूरा इसके हाथ में कंट्रोल होता। लेकिन जैसे जैसे सीजन 1 हमें देखने को मिला तो वो थोड़ा थोड़ा चेंज हुआ। लेकिन फिर भी सीजन 2 और एपिसोड 5 या एपिसोड 4 में कुछ ऐसा दिखाया गया था कि जहाँ सिल्वी लौकी से मिलने जाता है, जब वो पूरा टीवी डिस्ट्रॉय हो जाता है तब लौकी से सिल्वी मिलने जाता है, मतलब उल्टा हो गया, सिल्वी से लौकी मिलने जाता है। जब तो लौकी सिल्वी पहचान लेती उसको, तब वो लौकी को एकदम समझाती कि भाई वो खुद के बारे में सोचे। अभी भी उसके अंदर कुछ ना कुछ थोड़ा सी ऐसा है कि वो अपने बारे में सोचे, मतलब वो अकेला रहना नहीं चाहता, उसको मतलब ऐसे कि किसी का साथ चाहिए, दोस्त चाहिए, प्यार चाहिए, तो वो सब उसको मतलब फीलिंग्स है, समझे। अब यहाँ एकदम एंडिंग में तुम देखोगे एपिसोड 6 के एकदम 15-20 मिनट पहले, तब वहाँ पे तुम्हें उसकी इंस्पिरेशन देखना। और जो दम जाने के टाइम वो पीछे मुड़ के देख रहे हैं ना भाई, वो देखना उसका इमोशन था, और वो था एक रियल लौकी। और ये रियल लौकी भाई अगर भाई पूरा डिफरेंट, ये चेंज हो चुका है, अब ये एकदम हीरो बन चुका है, एकदम प्रॉपर हीरो, क्योंकि ये अपने बारे में नहीं सोचा, ये उन टाइम लाइन को टेम्पोरल लूप तोड़ने के बाद पूरी टाइम लाइन को वो रिवाइव किया, मतलब अपने आप अपनी शक्तियों से उनको जिंदा किया, उनको नई जिंदगी दी। फिर वो वहाँ पे गया, ही हू रिमेंस की जगह पे बैठा, गद्दी पे बैठा, और वहाँ टाइम लाइन में वो समा गया, मतलब एक तरह से वो पूरा मल्टीवर्स उसके हाथों में है। यानी मल्टीवर्स में जो कुछ भी हुआ है, जो कुछ भी हो रहा है, चाहे वो अवेंजर्स से रिलेटेड हो, चाहे वो एक्समैन से रिलेटेड हो, चाहे वो एवरीथिंग यूनिवर्स में हो रहा हो, कोई से भी यूनिवर्स में, मल्टीवर्स के कोई से भी यूनिवर्स में हो, ये सब इसको पता होगा। जैसे किसको, ही रिमेंस को पता था भाई उसके वेरिएंट आने वाले, ही रिमेंस के ऊपर मल्टी वॉर्स होने वाली है, तो ऐसे ही सेम टू सेम लौकी को पता था, लौकी को पता होगा, समझे। लौकी को कैसे पता होगा, क्योंकि उसके हाथों में है भाई पूरी की पूरी समय रेखा, टाइम लाइन्स की पूरी जड़ उसके हाथों में, और वो पूरा समा चुके उसके अंदर। अब ये लौकी वापस आएगा कि नहीं, आपको एक चीज़ बताऊँ, लौकी आ सकता है, ये सिर्फ एक तरह से बोलता हूँ, ये मेरी सोच है, आई एक्सपेक्ट कि लौकी किस में आ सकते हैं। डेडपूल 3 के एंडिंग में आ सकता है, क्योंकि डेडपूल में अगर मैं गूगल पे सर्च करूँ तो डेडपूल के कास्ट में जाऊँ, डेडपूल 3 सर्च करके वहाँ पे कास्ट में जाऊँ तो कास्ट में मुझे दिख रहा है भाई यहाँ लौकी का कैरेक्टर, मतलब लौकी हो सकता है। नहीं तो भाई ये कैंग डायनेस्टी में तो आने ही वाला है, कैंग डायनेस्टी में कहीं ना कहीं से भाई जब कैंग के सारे वेरिएंट्स बेकाबू होकर हमला करेंगे तब शायद से लौकी उनकी बचाना है। क्योंकि भाई लौकी आया तो ये समझ जाना वो लौकी पावरफुल लौकी होगा, दिस इज़ द गॉड लौकी, समझे। ये प्योर मैं बोलूँगा गॉड बन चुका है, ऐसे मल्टीवर्स गॉड, और वो बन गया तो समझना भाई पूरी पूरी की पूरी तबाह, मतलब दम बढ़िया कर दिया पूरा। यहाँ पे गाइस मैं एक अपनी ऐसे बोलूँगा अपनी राय रखना चाहता हूँ कि यहाँ पे जो हमको लास्ट के वही सीन में लौकी के जब वो बैठते हैं वो सब मल्टीवर्स में अपनी पावर्स को यूज़ करते, रिवाइव करते, तो वहाँ पे देखना एक ट्री बन जाता है, मतलब वो ट्री कैसा है वो आपको पता ही होगा, नाम कमेंट में कर देना। और यहाँ पे बता दो वो ट्री के जो इसे बोलो तो एक जड़ रहती है वो ग्रीन कलर की, मतलब टैनी जड़ टू ग्रीन, और जो ऊपर ऐसे पत्तियों के रूप में हमें देखने को मिला वो था ऐसे लाइट ब्लू कलर का, जो कि कैंग का साइन हो सकता है। और मुझे ऐसे लग रहा है भाई कि अगर लौकी का ये पूरा जड़ है और ये लौकी मिटा दिया तो कैंग कैसे, मतलब कैंग के वेरिएंट्स कैसे घूमेंगे, मतलब वो सारे मल्टीवर्स है, ओके। और लौकी ऐसा नहीं करेगा भाई पूरे मल्टीवर्स को तबाह कर दे, क्योंकि वो उसी के लिए तो भाई वो अपने आप को वहाँ पे रखा है, तो पूरा ग्रीन सूट है, आपको पता ही है पूरा ग्रीन कलर ग्रीन सूट है। और ये बोलूँगा रियल लौकी, इसको ही बोलना भाई ये किसी के बारे में सोचा नहीं, एकदम तन्हा ज़िंदगी में, मतलब जितने भी उसका जो भी वक्त है वो अपने मल्टीवर्स के टाइम लाइन्स को संभालने में। अब इसके बदले कोई रिप्लेस भी कर सकता है, वो फ्यूचर में देखना कौन होगा कि लौकी को हटा के, जैसे ह्यू रिमेंस था, ह्यू रिमेंस को हटा के लौकी आया, अब लौकी को हटा के कौन उस जगह पे जाएगा वो हमको फ्यूचर में देखना होगा, कि वो कैंग डायनेस्टी के बाद होता है या सीक्रेट वॉर्स में ही हमें कुछ ऐसे
चीज़ें देखने को मिल जाती हैं। अब बात करते हैं अभी गेम की। देखो गेम के अंदर ये यूनिफॉर्म है सीजन वन का, और दो यूनिफॉर्म सीजन वन के हैं ये दोनों। ओके, ये वाला और एक ये ब्लैक सूट वाला प्रेजिडेंट वाला। ओके, ये दोनों यूनिफॉर्म्स सीजन वन में आए थे, लेकिन सीजन वन एंड होने के बाद एक महीना या डेढ़ महीना रुकने के बाद उसका अपडेट आया था लोकी का। ठीक है, अब बात करते हैं सीजन टू। अभी के टाइम पे देखो दो कैरेक्टर हो चुके हैं, मतलब दो यूनिवर्सल सेम टाइम पे आ चुके हैं। घोस्ट राइडर अब भी आया हाल ही में, ओके 20 दिन हुए, 20-25 दिन मुश्किल से, और फिर अभी आया यूनिवर्सल टाइप, सेम टू सेम यूनिवर्सल घोस्ट राइडर, सेम टू सेम यूनिवर्सल टाइप है कैप्टन मार्वल। कैप्टन मार्वल वाइब बुक ऑफ शांति इतनी ज़्यादा काम मिलती है। अब मिड अपडेट भाई ज़्यादा दूर नहीं है, मिड अपडेट को सिर्फ 13 दिन है, 13 दिन में भाई बुक ऑफ शांति जमा हो जाएगी 10, या टाइटन बुक जमा हो जाएगी 10। तो इस हिसाब से भाई बुक यूनिवर्सल जो टाइप है ना, यहाँ पे लोग यूनिवर्सल टाइप नहीं देंगे, क्योंकि लोकी भी भाई यूनिवर्सल टाइप का है। और यहाँ पे एक चीज़ जब लोकी यूनिवर्सल टाइप का, तो इसको देंगे भाई दिसंबर के मेन अपडेट में, मेन अपडेट में यूनिफॉर्म, मैं बोला ना ये वाला यूनिफॉर्म ग्रीन वाला कि आएगा तो दिसंबर के मेन अपडेट में आ सकता है लेटेस्ट यूनिफॉर्म ये वाला। और बात करूँ एक चीज़ और, अगर मिड अपडेट में दिसंबर के मिड अपडेट में आया तो तुम लोग 1750 क्रिस्टल ना ब्लैक फ्राइडे से बचा के रखना। क्यों, किस लिए, मैं आपको समझा रहा हूँ। 1750 क्रिस्टल स्पेशल हॉलीडे यूनिफॉर्म। अब हॉलीडे यूनिफॉर्म जो आप मैग्नेटो का यूनिफॉर्म देखे हो ये वाला, ये हॉलीडे में आया था, और ये ध्यान रखना है ये ब्लैक फ्राइडे में नहीं आएगा ना एनिवर्सरी में, क्योंकि स्पेशल यूनिफॉर्म की खास बात वही रहती है जिस सीजन में वो आए हैं वो उसी सीजन में दोबारा आएंगे। अभी नहीं लियो तो अगले साल लेना मौका मिलेगा। तो अभी हॉलीडे आने वाला है दिसंबर के मिड अपडेट में, तो आई थिंक दिसंबर का मिड अपडेट में अगर लोकी का ये वाला यूनिफॉर्म आता है तो 1750 क्रिस्टल लगेंगे। लेकिन मैं नहीं चाहता भाई लोकी स्पेशल यूनिफॉर्म हो, क्योंकि भाई उसको कभी भी हम ले जाए, लेकिन भाई उसका लुक देख के लग रहा है भाई होगा, मतलब ये लुक सबसे डिफरेंट है, तो भाई आई थिंक ये लुक हमको गेम में देखने को मिले और इसको हीरो बना दिए जाए। विलन कब से है भाई ये, अब इसको शायद से हीरो बना दिए जिस हिसाब से इसका सीजन है, तो आई थिंक भाई इसको हीरो बनाना भाई एक बहुत ज़्यादा अच्छा डिसीजन रहेगा गेम वालों के लिए। तो हीरो बनने के बाद थॉर है, ओडिन अंकल है, इन सबको रिप्लेस कर सकता है ईजी। अगर विलन रहता है तो ब्लैक बोल्ट और थैनोस, ये तो लाइन में लगे हैं, ब्लैक बोल्ट थैनोस ये सुपर विलन यूनिवर्सल को रिप्लेस कर देगा ये ईजी। लेकिन यूनिफॉर्म देखो, अब बहुत लोग बोल रहे भाई पीपी में काम आएगा, तो मैं यहाँ पर थोड़ा सा गौर दिया कि ये टाइम लाइन बैटल यानी टाइम लाइन से जुड़ा हुआ है, तो आई थिंक ये टाइम लाइन में टाइम बटन में काम आ सकता है आई थिंक, क्योंकि इसका आर्टिफैक्ट नहीं है। और घोस्ट राइडर की तरह इसका आर्टिफैक्ट भी अगर कर दिए, कौन सा पीपी आर्टिफैक्ट इमोर्टल वाला, तो आई थिंक उसको भी हम टाइम बटन में यूज़ कर सकते हैं। जैसे घोस्ट राइडर का आर्टिफैक्ट हमको देखने को मिला है इस पीपी आर्टिफैक्ट, तो आई थिंक हमें लोकी भी इन फ्यूचर उसका आर्टिफैक्ट आता है टीयर 4 होने पे, तो हमें लोकी देखने को मिले पीवीपी लोकी। ओके, तो यहाँ पे इसका आर्टिफैक्ट शो नहीं हो रहा है, तो इसका आर्टिफैक्ट अभी गेम में नहीं है, तो गेम में जब आएगा तो देखना पड़ेगा उसके आर्टिफैक्ट में क्या चेंज करते हैं। वो पीपी हो सकता है, जैसे थंबनेल में देखें उसको आर्टिफैक्ट के हिसाब से पीपी कर सकते हैं, जैसे घोस्ट राइडर पीपी के साथ आर्टिफैक्ट के साथ पीपी में काम करेगा टाइम बैटल और अदलवर बैटल में, तो शायद से लोकी का लेटेस्ट यूनिफॉर्म ये वाला जब भी आएगा तो भाई मस्त काम करेगा। तो ये मेरा कुछ एक्सपीरियंस था, मतलब कुछ एक्सपेक्ट किया कि भाई ये मिड अपडेट में आता है तो 1750 क्रिस्टल, लेकिन कब, दिसंबर मिड अपडेट में। अभी तो मिड अपडेट में ब्लैक फ्राइडे आएगा और अभी आने का चांस भी नहीं भाई, यूनिवर्सल तीनों एक साथ नहीं, घोस्ट राइडर हो गया, कैप्टन मार्वल होगी, अभी यूनिवर्सल लोकी, इतना मतलब इतने बुक ऑफ शांति टाइटन बुक कहाँ से आएगी भाई। तो ये था मेरा कुछ कहना, आपकी राय कमेंट में बताइए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड बाय बाय। तो लाइक मारो, और अगर तुम लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उस पर फूट फेंक के मारो या फिर मोमबत्ती, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए। अब मैं भी जा रहा हूँ, मुझे पैसों के पीछे भागना है।